रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर कमल कुमार बोस, अध्यक्ष हिंदी विभाग, संजीवियर कॉलेज रांची, आज विश्व मंच पर हिंदी पर अपनी वार्ता रखूंगा। हिंदी की गतिशील स्थिति ने हिंदी की दिशा और दशा में बेहद तरक्की हासिल कराई है। हिंदी का विश्वव्यापी विराट रूप हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। यह हिंदी के अनवरत संघर्ष का ही परिणाम है कि लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में हिंदी के बढ़ते कदम अति सराहनीय है। हिंदी अब सिर्फ भारत की भाषा ही नहीं, बल्कि उन भारतवासियों की भाषा भी है जो विदेशों में रहते हैं। हिंदी स्वभाषा है, विश्व भाषा भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज विदेशों में लंबे समय से जो भारतीय रह रहे हैं, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी भी सामने आ गई है। उन संततियों के मन में अपने माता पिता या दादा दादी के देश को जानने की उत्कंठा बलवती होती जा रही है। वैश्विक मानचित्र पर भारत का निरंतर बढ़ता वर्चस्व भी इसका प्रमुख कारण है। पश्चिम में विकास से आए अघाए एवं अति संतृप्त मन को भारत में मौजूद विकास की अनंत संभावनाएं अधिक आकर्षित कर रही है। भारत से दूर विदेशों में बसे अनेक भारतीयों के अंतस में यह इच्छा भी बढ़ती जा रही है कि उनके बच्चे हिंदी भाषा जरूर सीखें। भारत विश्व का बड़ा और आकर्षक बाजार है। भारत के विस्तृत आर्थिक परिदृश्य से विदेशी कंपनियां प्रभावित हैं। उन्हें शिद्दत से यह महसूस हो रहा है कि भारत में कदम जमाने के लिए हिंदी ज्ञान बेहद जरूरी है। हिंदी ज्ञान उन्हें अपने व्यापार को ऊंचाई तक ले जाने में मददगार होगा। फलस्वरूप विश्व के लगभग 153 विश्वविद्यालयों में हिंदी पठन पाठन में छात्र छात्राओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रबल आवश्यकता इस बात की है कि विश्व भर में हिंदी प्रचारित प्रसारित हो। इत्यादर्थ हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण की दिशा में नई प्रविधि एवं शोध किया जाए। इसके लिए मानक पाठ्यक्रम के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बात पर भी जोर दिया जाए कि हर देश के लोग अपने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। विश्व के विभिन्न देशों के छात्र हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करें। हिंदी किसी बने बनाए मानक पाठ्यक्रम के रूप में उन पर थोपी न जाए, बल्कि उन्हें अपने रुझान एवं क्षमता तथा जरूरत के मुताबिक हिंदी सीखने की दिशा में पाठ्यक्रम अपनाने की आज़ादी भी हो। हिंदी सीखने के क्रम में ही उनमें हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, रुचि बढ़ेगी और तब वे हिंदी साहित्य एवं दर्शन को पढ़ने सीखने और जाने की दिशा में अगला बड़ा कदम बढ़ाएंगे। विश्व के मानचित्र पर एवं वैश्विक जनमानस में हिंदी की छवि मूर्त हो सके, इसलिए यह भी जरूरी है कि हिंदी को शास्त्रीय बंधन से मुक्त किया जाए, भाषिक आडंबर से भी हिंदी भाषा मुक्त हो, हिंदी की सभी शैलियों को खुली हवा में सांस लेने की छूट दी जाए, बनावटी और आडंबरपूर्ण भाषा से बचने की जरूरत है। हिंदी आज़ाद है। हिंदी की तरह अरबी फारसी के अल्फाज हिंदी के दुश्मन हैं, इस गलत फहमी से बचने की नितांत आवश्यकता है। प्रांतीय बोलियां भी हिंदी के साथ चलें, ऐसी प्रवृत्ति को अपनाने की बेहद जरूरत है। हिंदी हमेशा अपनी परंपरा और प्राचीनता रूपी दादी की पोशाक पहनी रहे, यह भी जरूरी नहीं। इस भ्रामक अवधारणा से भी बचे रहने की आवश्यकता है कि कोई छोटा सा या मामूली सा काम करना हो तो हिंदी ठीक है, पर कोई बारीक या गंभीर काम करवाने हो तो हमें अंग्रेजी की शरण में आना होगा। हमारी कामना है कि देवनागरी लिपि विश्वनागरी बने। हमारी यह लिपि दुनिया की सबसे सरल एवं वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी का शब्द संसार विराट है, इसकी शब्द संपदा अपार है। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में अंग्रेजी के एक एक शब्द के लिए अनेक पर्याय हैं। असंख्य लोगों के अनुभव से शब्दों का निर्माण होता है। अंग्रेजी की तुलना में हम सभी कारखानेदार हैं, हम खदान के मालिक भी हैं। हमारे पास शब्द निर्माण करने की क्षमता भी है और विधि प्रविधि भी। हिंदी ने अनेक भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है। सभी शब्दों का विपुल खजाना हिंदी के पास है। हमें एवं सरकार को भी
ये बात समझनी होगी कि समाज के निर्माण में भाषा की महती भूमिका होती है। शब्द मूल्यवान होते हैं। मूल्य एवं प्रतिमानों की स्थापना करने में, आचार विचार व्यवहार एवं संस्कार प्रदर्शन में भाषा का बड़ा दायित्व है। भाषा परिवेश से ही पनपती है, परिवेश में पलती है और परिवेश में प्रयोग व्यवहार द्वारा उसकी वृद्धि एवं समृद्धि होती है। विदेशी भाषाएं, विश्व के अनेक देशों की भाषाएं हिंदी में घुल मिल गई हैं। दर्जनों भाषाओं एवं सैकड़ों बोलियों के अनगिनत शब्दों एवं मुहावरों को हिंदी ने आत्मसात किया है और लगातार करती जा रही है। अंग्रेजी ने भी भारतीय भाषाओं के अनेक शब्दों को अपने शब्द भंडार में स्थान दिया है। हिंदी भाषा के साथ विश्व की अनेक भाषाओं के शब्दों का पारस्परिक विनिमय सुखद संकेत देता है। विपुल शब्द भंडार के संचयन एवं संग्रहण हेतु प्रामाणिक एवं वृहद शब्दकोश की आवश्यकता है और इस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। हिंदी तीसरी दुनिया की संपर्क भाषा है। हिंदी हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। विविध व्यवहारों की भाषा के रूप में हिंदी स्थापित प्रतिष्ठित हो गई है। वास्तव में किसी भी बड़ी और समर्थ भाषा के मूल्यांकन का केंद्रीय आधार यह है कि उसमें व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने की कितनी क्षमताएं और संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से इस निकष पर हिंदी ने अपनी सार्थकता और प्रयोजनीयता सिद्ध की है। हिंदी में साहित्यिक विधाओं का अपना रचना संसार तो विपुल है ही, साथ ही जीवन के सभी इलाकों में हिंदी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। विदेशों में भी हिंदी साहित्य को प्रतिष्ठा मिल रही है। इधर हिंदी ने आदर्श संपूर्ण और विकसित भाषा के रूप में अपने प्रकार्य एवं संभावनाओं का लगातार विस्तार किया है। सभी प्रायोजनिक क्षेत्रों में हिंदी ने शब्द संग्रह और शब्द निर्मिति से लेकर भाषिक संरचना तक सबका निरंतर विकास किया है। हिंदी की अद्यतन उपलब्धियों तथा विशाल पैमाने पर फैलाव इसके स्वर्णिम भविष्य का संकेत करते हैं, क्योंकि हिंदी ने सभी प्रयुक्ति क्षेत्रों में अपनी क्षमता का परिचय दिया है। हिंदी प्रयुक्ति एवं अभिव्यक्ति का संसार विराट है। यही कारण है कि सभी वर्गों के लोग, अधिकारी, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता, वकील आदि सभी अपनी हिंदी बोलते हैं। हिंदी का यह प्रयुक्तिमूलक वैविध्य अति विलक्षण है और इसके लिए हिंदी ने अपनी भाषिक संरचना को बेहद लोचदार बनाया है। अनगिनत स्रोतों से आगत शब्दों का स्वागत हिंदी ने किया है। रोजगारमूलक भाषा के रूप में हिंदी की प्रयोजनीयता एवं सार्थकता में निरंतर वृद्धि हुई है। जीवन की जीवंत भाषा के रूप में हिंदी आदृत हो चुकी है। 21वीं सदी के लगभग 19 वर्ष बीत चुके हैं। इन वर्षों में हिंदी किन किन गलियों, पगडंडियों और राजमार्गों से गुजरकर कहां पहुंची है, इस बारे में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। पीछे झांकने पर कुछ विभ्रम, कुछ दुविधा, कुछ संशय के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। इतने प्रकार की हिंदी हमारे आसपास के दैनिक व्यवहार में है कि भाषा चिंतक भी विस्मित एवं विचलित हो जाते हैं। इंटरनेट से लेकर टेलीविजन तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अमृतसर से लेकर एजल तक, फेसबुक से लेकर मिनी बुक तक हिंदी की प्रयुक्तियाँ इतनी बहुआयामी हैं कि 21वीं सदी की हिंदी के सामने नित्य नई चुनौतियाँ उभर रही हैं। एक चुनौती तो हिंदी भाषा के परिसर में सब ओर व्याप्त भूमंडलीकरण, उत्तर आधुनिकता, उत्तर उपनिवेशवाद, बाजारवाद आदि की आंधी तो है ही, जिसने सोच विचार के सारे प्रचलित और स्वीकृत मानकों को अपदस्थ करने की ठान ली है। स्वभावतः हम हिंदी के बारे में जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य से अगली बातचीत के स्वभावतः हम हिंदी के बारे में जो वैश्विक परिदृश्य में बातचीत के अभ्यासी हो गए हैं और हिंदी का कोई भी पक्षधर 21वीं सदी की दहलीज पार करने के बाद ग्लोबल सोच से इतर नहीं सोचता, विश्व मंच पर आसीन हिंदी को आसन्न चुनौतियों का सामना करने की शक्ति जुगाड़ करनी होगी।
इंटरनेट की विश्व क्रांति में अब हिंदी भाषा भी शामिल है। आज हिंदी में अनेक पोर्टल, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग, ईमेल भेजने और पाने की सुविधा इंटरनेट जनसंचार प्रणाली पर उपलब्ध है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य माध्यमों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी नए क्षेत्रों में विकसित हो रही है। हिंदी में संगणक का कुंजी पटल बनना अभी बाकी है। अभी भी अंग्रेजी में DTP तकनीक जितनी विस्तृत और सुलभ है, उतनी हिंदी में होना अभी बाकी है। ये भी सच है, गूगल जैसी सर्च मशीन पर हिंदी ने खोज की सुविधा, शोध की सुविधा उपलब्ध है। गूगल की नई व्यवस्था के अंतर्गत आप अंग्रेजी में टाइप करते जाइए और उसका हिंदी में अनुवाद अपने आप होता जाएगा। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है। सच तो यह है कि संसार भर में इंटरनेट का उपयोग करने वाले देशों में हमारे देश का स्थान दूसरा है, लेकिन अभी भी भारत की आबादी का 60% इंटरनेट के ज्ञान और उपयोग से वंचित है। विश्व मंच पर खड़ी हिंदी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो साइबर स्पेस की दुनिया में अपने को पूरी मजबूती के साथ स्थापित करे, अपनी क्षमता प्रदर्शित करे। हिंदी की अभिव्यक्ति को बेहतर और ताज़ा बनाए रखने के लिए आत्ममुग्धता की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलकर पाचन शक्ति की विशालता का परिचय देना होगा। जैसे हिंदी में तिथि, दिनांक, तारीख और अन्य समानार्थी शब्द हैं, लेकिन उनकी प्रयुक्ति उन्हें विशिष्ट अर्थवत्ता प्रदान करती है। इसी आधार पर पुण्य तिथि को पुण्य तारीख नहीं कह सकते। अदालतें तिथि नहीं तारीख तय करती हैं। कोई लड़की डेट पर जाए तो उसे तिथि या तारीख पर भेजना उचित नहीं होगा। इसलिए अब हिंदी में तिथि के साथ ही साथ तारीख और डेट को भी अपनाना होगा। हिंदी शब्द भंडार में किसी भी भाषा और बोली के शब्दों को स्वीकार लेना इस सदी की चुनौती ही है। इस देश के अलग अलग महानगरों और राजधानियों में अलग अलग किस्म की हिंदी का प्रचलन है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम की हिंदी तो और भी भिन्न है। इन सारी भाषिक और लोक प्रचलित व्यवहारों की विविधता के बीच हिंदी को आज की सदी के योग्य बनना होगा, तभी हिंदी हिंग्लिश और हिंग्रेजी के बीच से अपनी सही राह का संधान कर सकेगी। आइए हम इन चुनौतियों से जूझ रही एक समर्थ भाषा, एक जीवंत भाषा के प्रति अपनी सोद्देश्य प्रतिबद्धता साकार करें। हिंदी को इस शताब्दी के मध्य तक अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सबका साथ स्वच्छ पारदर्शी मानसिकता के साथ जरूरी है। भौगोलिक आधार पर हिंदी को हम विश्व भाषा मान सकते हैं, क्योंकि हिंदी को बोलने एवं समझने वाले संसार के सभी महाद्वीपों में फैले हैं। जनतांत्रिक आधार पर भी हिंदी विश्व भाषा है, क्योंकि हिंदी बोलने वालों समझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है। एशियाई संस्कृति में हिंदी की विशिष्ट भूमिका है। हिंदी एशिया की प्रतिनिधि भाषा है। अफगानिस्तान, ईरान, फारस की खाड़ी के तटवर्ती देश, श्रीलंका, बर्मा एवं दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों में बसे अनेक भारतवासियों के कारण हिंदी का उपयोग एवं प्रचलन बहुत अधिक है। संसार भर में लगभग 170 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जा रही है। ये लगातार विस्तारित होती हिंदी की सक्षमता का बड़ा प्रमाण है। अपने भीतर स्वयं हिंदी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को शामिल कर लिया है। आर्य, द्रविड़, आदिवासी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में शामिल हैं। यह हिंदी की वसुधैव कुटुंबकम एवं अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को प्रदर्शित करती है। भारतीय दर्शन के विश्वमान्य एवं स्वीकृत सिद्धांत विश्व करुणा, विश्व मैत्री, सत्य, प्रेम, अहिंसा, विश्व भावना जैसे लोक कल्याणकारी सिद्धांतों की वाहिका है हिंदी। हिंदी का रथ आगे बढ़ चुका है, इसे कोई रोक नहीं सकता। विश्व शक्ति और महाशक्ति बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके भारत के मुंह में उसकी अपनी जुबान होगी, अपनी जीवा होगी, अपनी हिंदी होगी, सबकी अपनी हिंदी होगी।